तो दोस्तों, जैसे कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी का फोर्थ ट्रेलर सामने आया है और इस ट्रेलर को देखकर लोग उतने खुश नहीं हुए जितने इससे पहले एक ही ट्रेलर को देखकर हुए थे। और साथ ही इस बार शाहरुख खान ने अपनी फिल्म की कहानी भी थोड़ी सी रिवील किया है और ये एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म होने वाला है जहां पर कुछ दोस्त मिलकर लंदन जाने की तैयारी में लगे हैं। दर्शकों को शाहरुख खान की फिल्म डंकी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। फैंस शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान की तरह ही डंकी फिल्म को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे और जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान के दो बेहतरीन एक्शन फिल्म देखने के बाद उम्मीद की पैमाना सातवें आसमान पर है। और ये कॉमेडी एडवेंचर्स फिल्म होने वाला है राजकुमार हिरानी की। राजकुमार हिरानी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी डायरेक्शन में बनी एक भी फिल्म अभी तक फ्लॉप नहीं हुई और यही एक वजह है कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इनके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। और साथ इस फिल्म में कई बड़े बड़े शानदार कलाकार भी है, जैसे कि तापसी पन्नू एज मनु, उनके इस फिल्म में मनु नाम होने वाला है जो कि कुछ लोग कंगना रनौत से कंपेयर कर सकते हैं। विकी कौशल एज ए सुखी, बमन ईरानी जैसे शानदार कलाकार भी शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। धर्मेंद्र, दिया मिर्जा, सतीश शाह और भी कई सारे ढेरों कलाकार। और जैसे कि आप जानते हैं कि शाहरुख खान के जितने फैंस है उससे कई गुना ज्यादा हेटर्स भी है। वो बात अलग है कि शाहरुख खान के ज्यादातर हेटर्स आज तक शाहरुख खान का कुछ भी उखाड़ नहीं पाए, लेकिन अगर हम बात करें तापसी पन्नू की, उन्हें अगर कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं है। इनके हेटर्स नहीं बनते बल्कि ये खुद अपनी बेतुकी बयानों की वजह से अक्सर ट्रोल हो जाती है, जिनके चलते इनकी फिल्में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल पाती। बात अगर हम करें शाहरुख खान की फिल्म डंकी की, तो इसमें शाहरुख खान के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है और ऐसा ही कुछ हमने शाहरुख खान की फिल्म जीरो में भी देखा है। और ऐसा ही कुछ शाहरुख खान का इतिहास रहा है कि शाहरुख खान की ऐसी फिल्में अच्छी कमाई नहीं कर पाती। ये बात सच है कि जवान और पठान देखने वाले जो फैंस है उनको ये ट्रेलर उतना कुछ खास पसंद नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जो कि एक मंजे हुए डायरेक्टर है जिनकी फिल्में आज तक कभी फ्लॉप नहीं हुई, और आपको बता दें कि इन्होंने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 फिल्में बनाई है और इनके सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही दमदार कमाई किया है और यही एक वजह है कि बॉलीवुड के किंग खान भी राजकुमार हिरानी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।